हम सब लोगों ने फैसला किया था पहले भी कि जब भी नीतीश कुमार जी की जनसंवाद होगी और प्रेस वार्ता होगा तो उसके बाद हम लोग भी प्रेस से रूबरू होंगे, और उन्होंने जो बयान दिया उन सभी बातों को लेकर के हम लोगों का जो पक्ष है, जो राय है, उसको भी हम लोग आप लोगों के सामने रखेंगे। आज जो जनसंवाद हुआ जिसमें कि हम लोगों ने देखा, माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबसे पहले जहां तक उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात है, क्योंकि काफी दिनों बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और जहां तक हमने उनके बॉडी लैंग्वेज को रीड किया, काफी नर्वस, काफी घबराए हुए और काफी परेशान वो नजर आ रहे थे, और जिन जिन सवालों का उन्होंने जवाब दिया कहीं ना कहीं से दिखा जाए तो वो सवाल से बचते नजर आए, और ज्यादातर सवालों को टालते हुए उन्होंने जवाब दिया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि करप्शन से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार में जितना 36 घोटाले हो चुके हैं भाजपा के आने के बाद, लगातार जितनी भी ट्रेजरी है उसकी लूट पे लूट हो रही है, सीएजी रिपोर्ट में लगातार घोटाले सामने नजर आए हैं हजारों हजार करोड़ के, विधायक शराब की गाड़ी से पूरा पकड़ाया जाता है, दूसरा विधायक जो है न्यू ईयर में गोली मार करके एक हत्या कर देता है और उस पर मौन रहते हैं नीतीश कुमार जी। जब बिहार का डीजीपी कहता है कि एसपी उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आज जो बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो अभी जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, उनका बयान आया है कि बिहार में एक दिन में जितने कत्लेआम होती हैं उतना जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में भी नहीं होता है। आप समझ जाइए कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।